ओके सुरभि, सो इज दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू? नो सर, दिस इज माय सेकंड इंटरव्यू. आई गेव वन लास्ट ईयर एज वेल. ओके, सो यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द बेसिक प्रोसेस की क्या 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 प्रोसेस होता है, राइट? DAF 1, DAF 2, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंटरव्यू, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, ग्रेजुएशन स्टेट, ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट, 12th के सब्जेक्ट्स, ये सब का बेसिक क्या होता है ये आपको पता ही राइट राइट है ना? तो अब देखो, हाँ, इस सेशन में मेरा सजेशन ये रहेगा कि रादर देन गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ द डैफ, वी कुड गो ओवर द प्रॉब्लम्स जो आपको दिक्कत आई होंगी एंड वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है? अगर बेसिक ही समझाऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, तो दैट माइट नॉट बी सो रेलेवेंट फॉर यू। जो जो आपको दिक्कत आई होंगी वो अगर डिस्कस करें तो आई थिंक दैट वुड बी मोर हेल्पफुल, राइट? यस राइट मेक सेंस. तो यू कैन मे बी कैरी द सेशन फॉरवर्ड, यू कैन लीड एंड यू कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस वॉट एवर मे हैव बीन ट्रबलिंग यू। विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर आई जस्ट हैड फ्यू क्वेश्चंस. सो आई गॉट 193 व्हिच आई थिंक वाज डिसेंट इनफ बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस, बट आई वाज लुकिंग फॉर द एरियाज वेयर आई कुड इम्प्रूव दिस टाइम. सो इफ आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन द इंटरव्यू, इट वॉज मोर ऑफ ओपिनियटेड क्वेश्चंस, नॉट डायरेक्ट करेंट अफेयर्स. इट वॉज जस्ट जनरल बेस्ड ऑन माई डैफ ओनली. द वन वॉज बेस्ड ऑन माई वर्क एक्स विच वॉज इन द बैंकिंग सेक्टर. सो दे आस्क मी अबाउट द बैंक कंसॉलिडेशन एंड इट फेल्ट मोर लाइक. सो वन वॉज डायरेक्ट क्वेश्चन, इनिशियली वी वर गोइंग फॉर बैंक नेशनलाइजेशन, नाउ वी आर गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन, देन वॉट आर द रीजन्स. सो देन आई गेव सम रीजन्स एंड देन दे आर लाइक those reasons are fine, but then don't you think we are in a going in a haphazard manner based on the present situation? We are just changing our policies. So do you think India is doing something wrong, or are we going on a wrong trajectory? And two members kept on focusing on that. So I thought maybe it's a trick question. Maybe they want me to accept that we have done something wrong and now we are changing our path. But I took a middle path that as of that time, maybe at that time it was required that we need more nationalized banks so that we can cater to a larger set of population. And private banks are mostly catering to the niche segments of higher income people. And I think that discussion dragged on for a longer time. So one focus this time I would say would be more on banking aspect. How is it influencing us? इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर फोकस विल बी ऑन द बैंकिंग एस्पेक्ट, राइट? जरूरी नहीं है कि बैंकिंग एस्पेक्ट पे ही डिस्कशन हो, बट हाँ, प्रिपेयर आप करके जा सकते हो। अनलेस एंड अंटिल देर इज समथिंग स्पेशलाइज रिलेटेड टू बैंकिंग इन योर प्रोफाइल, लेट मी हैव अ लुक, इज देयर समथिंग स्पेशलाइज रिलेटेड टू बैंकिंग इन योर प्रोफाइल? आई हैव 3.5 years ऑफ वर्क एक्स इन बैंक, हाँ, इन प्राइवेट बैंक्स. फिर तो जाएगी हाँ, और मैंने ना। लीडरशिप में भी लिखा था वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई लेड. सो इट वाज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द प्रोजेक्ट दैट आई लेड, बट मोर अबाउट प्राइवेट वर्सेस पब्लिक बैंक्स एंड ऑल. And then in general, they are like, ki, what do you think? One thing that India did not have till now, and now that we have entered 75 years of independence, what are we showcasing to the world? So, इस टाइप के थोड़े से मतलब I felt more like HR questions and more like opinion based questions. So one thing I think that area I could improve. The other thing was I had this hobby of watching business case study videos. So one of the those he asked me some recent Zomato, like one was on gig economy, how Swiggy and Zomato are kind of putting a lot of pressure on people on the delivery guys and all. So that was the general discussion. And then he asked me some factual question that some country in Southeast Asia has launched a policy. Now I didn't know that. So that I think is from my hobby and I should have known. So maybe that is where I kind of gave a wrong vibe to them that I'm not aware. And then मतलब that sir थोड़ा सा intimidate कर रहे थे वो, that you should have known और ये पता होना चाहिए like that. दैट इज ओके, इंटीमिडेट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि द इंटरव्यू हैज गॉन प्रिटी वेल एंड देन दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू अंडर प्रेशर। ये मेरे साथ भी हुआ है, एंड इंसिडेंटली उस इंटरव्यू में मेरे भी 193 आए थे अंत में।
ओ ये दिस भी वन पैनल मेंबर हु इसका वाज लाइक कि कानपुर तो वायलेंट सिटी है, व्हाट डू यू थिंक. मैंने कहा आई वेंट टू कानपुर फॉर ग्रेजुएशन, तो व्हाट डू यू थिंक. मैंने कहा नहीं है सर, आई डोंट थिंक सो. तो फिर बोलते हैं डू यू नो, डू यू थिंक व्हाट हैपेंड, डू यू नो व्हाट हैपेंड इन 1984. मैंने कहा यस सर. बोलते हैं स्टिल डोंट यू थिंक इट इज अ वायलेंट सिटी. मैंने कहा नहीं सर. फिर बोलते हैं कि ठग्गू के लड्डू पता है क्या है वहां पे, ठग्गू के लड्डू एक दुकान है, स्वीट शॉप है, हलवाई की दुकान है. तो मैंने कहा कुछ नहीं है सर, वो तो ऐसे ही सिर्फ अटेंशन कैच करने के लिए वो जोक टाइप का है दुकान के नाम पे. तो बोलते हैं कि नहीं यू नीड टू रीड मोर. मैंने कहा ठीक है सर. फिर ही वेंट टू हाईवेज कि इंडिया में हाईवेज इतने क्रूकेड क्यों बनते हैं कई बार. मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे रीजन बताया जितना मेरे को समझ में आता था. तो उसके बाद बीच में उनने कहा मतलब आई वॉज गोइंग टू अ केस स्टडी एक्चुअली दिल्ली में, लाटियंस दिल्ली जो है उसमें हेक्सागन पैटर्न में बना है. तो आई वॉज गोइंग टू अ केस स्टडी, ही कट मी ऑफ इन द मिडल. फिर बोलते हैं रेलवेज की इतनी कॉलोनियल मेंटालिटी क्यों है कि लोग ट्रैक्स पर ट्रेसपासिंग में दे इवन डाई बट रेलवे डज नॉट केयर. तो कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं है, लिमिटेशन ऑफ फंड्स है. एंड देन उसके बाद रेलवे इंप्लीमेंट भी कर रहा है दूसरे प्रोजेक्ट जैसे फेंसिंग ऑन ट्रैक्स चल रही थी तब, तो वो भी मैंने गिनाया था. उसके बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. तो एट द एंड एंड बाय इंट्रोस्पेक्शन एंड टू सम एक्सटेंट स्पेक्यूलेशन एज वेल, मेरा तो फिर यही इसमें टेक था कि अगर आपका इंटरव्यू ठीक जा रहा है तो दे ट्राई टू टेस्ट यू अंडर प्रेशर. तो दैट इज अ प्लान टैक्टिक. तो नो नीड टू वरी अबाउट इट ओके कि वो एक आदमी ने प्रेशराइज कर दिया या इंटिमिडेट कर रहा था, वो दैट इज अ प्लान थिंग. ठीक है। एंड आई थिंक वन क्वेश्चन भी उन्होंने मुझे पूछा था दोबारा, दैट आर यू श्योर, डोंट यू वांट टू चेंज योर आंसर बिकॉज दिस डजंट सीम राइट टू मी। तो फिर आई सेड ठीक है, मतलब जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल पॉन्डर ओवर इट। एंड देन आई गिव द सेम आंसर जस्ट कंसाइसली पुटिंग इट। हाँ तो देन ही इज लाइक ठीक है ओके जाओ। दैट इज ओके, दैट इज ओके. देखो दो चीजें होती हैं, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फर्मनेस. मतलब ओपिनियन में यू कैन चेंज इट, यू मे नॉट चेंज इट, बट अगर आपने इफ यू आर गिवन अ वेल थॉट आउट ओपिनियन, डिस्कशन में दे हैव नॉट बीन एबल टू कॉर्नर यू और दे हैव नॉट बीन एबल टू काउंटर योर ओपिनियन थ्रू वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स, देर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट. अगर ऐसा है तो आई पर्सनली डोंट फील दैट यू नेसेसरी नीड टू चेंज योर ओपिनियन. तो वो फिकल माइंडेडनेस दिखाता है ना, कि आपने कुछ बोला, फिकल माइंडेडनेस और मे बी गलेबल होना या यस मैन टाइप होना, टू कंप्लाइंट होना, वो दिखाता है. तो यू डोंट नेसेसरीली नीड टू चेंज योर ओपिनियन अनलेस एंड अंटिल यू नो इन योर माइंड दैट यस जो आप बोल रहे थे वो दैट वॉज रियली नॉट वेल कंसिडर्ड. अगर ऐसा हो जाए तो फिर दूसरी बात है, ठीक ऑल है. राइट अगर ऐसा हो जाए तो यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ आई हैड नॉट कंसिडर्ड दिस एंड मे आई प्लीज री थिंक या आई विल थिंक मोर अबाउट इट, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हो. पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यू डोंट नेसेसरीली नीड टू चेंज योर ओपिनियन. ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा वही सही है, ऐसा नहीं होता. And with respect to this year, I think I am expecting questions on IPS since I've taken EOL. हाँ So it's not mentioned in my DAF क्योंकि तब तक सर्विस अलॉट नहीं हुई थी जब तक DAF 1 भरा था। But do they already know or should I mention that नो दे डोंट as in ऑलरेडी how? नो. ऐसा आपके डैफ के अलावा कुछ नहीं पहुंचता है उनके पास, डैफ एंड फोटोज, उसके अलावा कुछ नहीं पहुंचता है. अनलेस एंड अनटिल यू ब्रिंग इट अप देयर इज नो वे फॉर देम टू नो. अनलेस एंड अनटिल यू ब्रिंग इट अप और इट हैज नॉट बीन मेंशनड इन योर डैफ, देयर इज नो वे फॉर देम टू नो. तो ट्राई टू ब्रिंग, And so, आई वुड एडवाइज दैट कि डू ट्राई टू ब्रिंग इट अप. because last time I remember there was no introduction directly, they started asking me questions. हाँ So तो in दैट इज that case, ओके, I दैट इज can't ओके, bring दैट it इज up. ओके. यू कैन मे बी मेंशन एक्सप्लिसिटली व्हेन दे से दैट आइदर दे से टेल अस समथिंग दैट इज नॉट मेंशन इन द डैक, और इट कैन बी अपेयर फ्रॉम योर सर्विस प्रेफरेंसेस. इट इज स्लाइटली इजियर फॉर द पीपल हु हैव बी हु आर इन सर्विस एंड हु आर लर्निंग, बिकॉज दे कैन टॉक अबाउट इट दैट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वी हैव बीन टॉट दिस, सो दे कैन वी बी ट्रेन टू द आंसर अ लिटिल बिट मोर इजिली. हाउएवर इफ यू गेट अ चांस लाइक यू वेंट टू एनपीए, सो यू सॉ समथिंग, यू नोटिस समथिंग, राइट, तो उसमें भी कीप दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि जो भी समझ में आए जितना भी चांस मिले ट्राई टू वीव इट इन द कॉन्वर्सेशन. दैट इज ऑल आई कैन से. But is it would be considered like a positive thing if I am anyway bringing it in a conversation? Because इफ I'm यू expecting questions like private to अब आप यहाँ क्यों आ रहे हो like that. वो तो दैट कैन कम टू यू, दैट कैन कम टू यू एनी वे इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर नॉट यू आर एन आईपीएस, है ना, पहली बात ये. दूसरा इफ यू डू ब्रिंग इट इनटू द कॉन्वर्सेशंस बी रेडी विद द क्वेश्चंस दैट कैन फॉलो रिगार्डिंग पुलिसिंग, पुलिस रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिसिटी इन पुलिस,
कि हाउ कैन वी ब्रिंग सिटीजन सेंट्रिसिटी इन द वे पुलिस इज वर्किंग, तो वो जरूर रहेगा. अगर उसमें फॉलो क्वेश्चंस, दे माइट नॉट आस्क यू स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस गिवन दैट यू आर नॉट इन ट्रेनिंग, बट दे कैन ऑलवेज आस्क यू जनरल जनरल स्टडी से क्वेश्चंस, ठीक है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, तो वो दैट माइट बैकफायर. तो इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट अप, बी प्रिपेयर्ड, गो प्रिपेयर्ड. And other thing is, I've mentioned in my service preference IAS and IFS. So can I expect a question on why IFS is mentioned even if you are in IPS as a Yes, second choice? many people do prefer for IAS, many people do prefer for services in this order: IAS, IFS, IPS. Last time नहीं मिला था, so I went for IPS, but this time I've put in both 1 and 2. So ठीक है. क्वेश्चंस question can come from that area as well. कैन वाई वाला क्वेश्चन इज नॉट एज लाइकली, क्योंकि ठीक है, जनरली इसी ऑर्डर में भरते हैं, मतलब नॉट द सर्विस प्रेफरेंस, बट देन वैकेंसीज इसी ऑर्डर में खत्म होती है. पहले आईएएस ही खत्म हो जाती है, फिर कुछ 10-20 आगे जाके आईएफएस ही खत्म होती है, फिर 200 के आसपास आईपीएस की खत्म होती है, 200-230 तक. तो इट इज नॉट सो सरप्राइजिंग दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर आईएएस एंड आईएफएस डिस्पाइट बीइंग आईपीएस, तो इतना कुछ गलत नहीं है. ठीक Okay, ठीक है. है. But anyway, I was preparing some questions on IFS as well, not specifically because of IS was the first one, but in terms of diplomacy and other related questions. तो वो तो वैसे भी आ जाएगा, वाई वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यस, दे कैन गो इनटू आईआर, दे कैन गो इनटू अपडेट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज डिप्लोमेसी. वो तो नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन, हाउ इज इंडिया परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, वो सब क्वेश्चंस शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एंड आर वेरी मच एक्सपेक्टेड. As a normal question, not detailed, like, so if someone has put in IFS's first choice, in normal mocks, I've seen most of the questions revolve around IR and Indian efforts. But in general, if I put in IAS and IFS, then the questions were revolving in general around administration, my background, like that. Right. अगर इफ यू आर फ्रॉम PSIR बैकग्राउंड, इफ यू आर और यू हैव शोन वेरी हाई प्रेफरेंस फॉर IFS, देन दे टेंड टू फोकस मच मोर ऑन IFS, अदरवाइज वही जनरल PSIR, मतलब वही जनरल GS2 वाला डिस्कशन होता है. और इफ इट इज अपेरेंट फ्रॉम योर डैफ अदरवाइज की सम टॉपिक ऑफ योर डैफ पॉइंट्स टू योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स IFS या डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस, तब होता है, अदरवाइज तो इतना नहीं होता है. And sir, I can see that आप MP cadre से है ना, so how is MP as a cadre? Because I've put in as my second choice. First is my home state Uttarakhand, and then MP. अच्छा, काफी अच्छा है. एमपी का सबसे अच्छी चीज ये है कि कई बार दूसरे कार्डर्स में, विदाउट नेमिंग एनी अदर कार्डर, कई बार ऐसा होता है कि इनसाइडर आउटसाइडर में वो फीलिंग होती है ये तो बाहर का है, बट अच्छा यहाँ पे एमपी में देर इज नो सच थिंग लाइक दैट. एक बार आप आ गए तो आप एमपी के हो गए, तो देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. तो ओके उस सेंस में काफी अच्छा है. दूसरा है कि डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, मतलब अभी काफी अंडर डेवलप्ड एरियाज भी हैं, तो काम करने को काफी अच्छा है. डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बुंदेलखंड का पूरा वह कल्चर अलग है, बुंदेलखंड के चैलेंजेस अलग हैं. साउथ का जो ये है निमाड़ रीजन जिसमें मैं अभी हूँ, साउथ की साउथ वेस्टर्न एमपी, वो अलग है. महाकौशल इज ईस्टर्न एमपी, उसमें ग्रीनरी काफी ज्यादा है, थोड़ा नक्सलिज्म का भी इशू है कुछ कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थोड़ा बेल्ट में, अदरवाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी काफी चैलेंजेस हैं. तो है तो काफी ज्यादा काम करने के लिए, तो अच्छा कार्डर है, बट यू हैव ऑप्टेड फॉर अ कार्डर सो यू कैन नॉट चेंज इट एनी वे, बट स्टिल क्वाइट अ गुड फादर. हाँ, एज उत्तराखंड नॉर्मली डजंट हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज. लास्ट ईयर एक आया था, एंड उससे पहले आई थिंक लास्ट 2 इयर्स से नहीं आया था. सो नेक्स्ट वुड बी देन एमपी, एंड देन द रेस्ट वुड फॉलो, बिकॉज आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम एमपी, बट आई पुट इन एज लाइक माय सेकंड चॉइस, एंड देन यूपी एंड अदर्स. नहीं, काफी अच्छा है, यू विल एंजॉय वर्किंग हियर. और सर, आपको स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस आए थे सेकेंड इंटरव्यू में रिगार्डिंग योर सर्विस जो पहले मिली थी IRS, या स्पेसिफिक नहीं कुछ आया था सम क्योंकि क्वेश्चंस? स्पेसिफिकली बिकॉज आई वाज ऑन ईओएल एंड इट डिडंट कम अप, एंड इवन दो आई हैड प्रिपेयर्ड, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू ब्रिंग इट अप माय सेल्फ, नहीं मैं तो हूँ पूछो, बिकॉज इट टैक्सेशन वाज नॉट माय फील्ड, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग, और ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, तो जनरल स्टडीज और उससे पर मैं एक्सटेंसिवली पढ़ के गया था, बट फिर मैं आई डिडंट ब्रिंग इट अप एक्सप्लिसिटली. ओके ठीक आ जाता तो आई कुड है, आई हैव थिंक. प्रिपेयर्ड, पढ़ के गए थे करंट अफेयर्स 5-6 महीने की न्यूज़ सही से पढ़ के गए थे, कीवर्ड उससे कलेक्ट किए थे, फिर गूगल सर्च करके अपना नोट्स भी बनाए थे,
But neither did the opportunity come up, nor did I create one to bring up that I was in IRS customs. ठीक है सर, आई थिंक दैट इज ऑल आई हैड. ठीक है, बेस्ट तो फॉर द प्रोसेस, आई एम मोस्टली अवेयर. अभी तो आई वुड सजेस्ट कि एक्सटेंसिवली अपने डैफ को गूगल सर्च करना, ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक कोई रहे या फिर, हाँ वैसे यू विल ऑब्वियसली मेक अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ योर डैफ एंड यू विल शेयर दैट विद मी, आई विल गो थ्रू योर डैफ लेटर ऑन, अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आई विल डेफिनेटली ऐड टू दैट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड आई विल शेयर दैट विद राज मल्होत्रा आई स्टडी ग्रुप, सो दे विल डेवलप अ क्वेश्चन बैंक. बट यू हैव बीन टू द इंटरव्यू वंस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आप एक्सटेंसिवली सर्च करोगे यू विल ऑब्वियसली फाइंड न्यू थिंग्स, सो दैट वुड बी हेल्पफुल एज वेल, है ना. तो आई थिंक बेसिंग योर प्रिपरेशन ऑन द क्वेश्चन बैंक इज जस्ट 50% ऑफ द प्रिपरेशन, अगर आप एक्सटेंसिवली सर्च करोगे तो काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलती हैं विच यू मे नॉट हैव थॉट ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ एडिटोरियल्स मिल जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, है ना, तो नए पर्सपेक्टिव्स भी मिल जाते हैं, नया डेटा मिलता है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द पर्सन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन बैंक और द पीपल हु आर पोजिंग द क्वेश्चंस टू यू फॉर हैविंग द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम दैट दे कलेक्टिवली इवन हैव द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, दैट इज वाई आई पर्सनली प्रेफर कि जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं वो तो ठीक है, बट एक्सटेंसिवली खुद भी सर्च करना, सिंस यू आर ऑन यूएल आई सपोज यू हैव द टाइम राइट नाउ, राइट, अभी ट्रेनिंग में होते तो नहीं रहता टाइम, तो फिर तो ठीक है, दूसरी बात थी, पर क्योंकि ईएल पे हैं तो जरूर टाइम है, तो वो प्रिपेयर कर लेना ठीक से. आई शेयर द लिस्ट दैट आई हैव मेड फ्रॉम डैफ टू द पर्सन आई थिंक आई कॉन्टेक्टेड, सो यू कैन देन शेयर इट विद मी, तो वो डायरेक्टली विद आई यू. विल आल्सो गो थ्रू दैट एंड आई विल देन शेयर इट विद राज मल्होत्रा दा स्टडी ग्रुप. ओके ऑलराइट सर, ठीक है. चलो देन, माय प्लेजर, टेक केयर.